हेलो एवरीवन, दिस इज वसीम एंड यू आर वाचिंग गुलबर्गा हेडलाइंस। गुलबर्गा के हर एरिया के लोग पीने के पानी के मसले से काफ़ी परेशान हैं। आज हम लोगों ने वार्ड नंबर 11 नूरानी महल्ले का सर्वे किया। यहां के लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से एक एक पानी के खतरे को लेकर यहां के लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ के लोगों ने इस एरिया के कॉरपोरेटर के ताल्लुक से यह बताया कि इस एरिया के कॉरपोरेटर को काफ़ी कंप्लेंट्स देने के बावजूद भी इस एरिया के कॉरपोरेटर के कानों में जू नहीं रेंग रही है। लोगों ने यह भी बताया कि जब इलेक्शंस आते हैं तो यही कॉरपोरेटर्स अपने वोटों की भीख मांगने के लिए ये लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन चले जाते हैं तो ये लोगों को कोई पूछने वाला नहीं। आइए सुनते हैं वार्ड नंबर 11 नूरानी महल्ले के लोगों का क्या कहना है। देखो, ये गली में सिर्फ वोट के वास्ते रहते हैं, ना नालियां का नहीं है, ना नल का नहीं है, नल के वास्ते रहते नहीं, वोट के वास्ते रहते हैं सिर्फ ये गली के हद तक का। और वोट डाल ले को भी हमको 17 बातें करते हैं, ना नाली सही नहीं थी, नाली के वास्ते भी हम फिर को मुसीबत में हम ये विद्यालय से हम कर लिए नाली का। अब ये रोड का नला का हम क्या पानी पीना, हम कहाँ जाको पीना ये बताओ। कितने बार बात करी हमको, नाली के बारे में बोली, रोड के बारे में बोली, बोरिंग मार तो भी बोले, बोले तो भी नहीं सुने। बड़े सापन जो होती, बड़े सापन आठवा कर लेते, उन्होंने क्या बोलती, हाँ हाँ चालू करती है। 5 साल दिन हुआ ये गली को पानी छीनी है, पीना है ना, नहीं देते पानी, कैसा करना बोलो। राड़ा वो भी पानी बाटले भर को डब्बे पैसा करना, क्या रोड बंद करना, क्या करना बोलो। आठवा भर ले को गए पानी के रास्ते में, नलवा लंगा नहीं, उन्होंने खुद दिए नहीं क्या नहीं, खाली आधा घंटा छोड़ती बंद करती हूँ। महिला में तो पानी कुछ भी नहीं है हमारे पास, एक घड़ा पानी नहीं आता। हाँ गए थे हम, पूरे बच्चे भी गए थे, अब 3 दिन पहले गए थे। एजाज में आ देखो, अगर आप आज एक दिन देखते हैं, अगर ये गली को पानी नहीं छोड़ेंगे ना रोड ब्लॉक कर डालते, हम देखते हैं 5 साल से छुप बैठे, आप कोई भी नहीं छुप बैठने वाले हैं। देखना के टाइम घरा घरा ओटा दियो बिल्कुल मंगने आती, अभी यहाँ महिलाएं तरस रही तो पानी देने के वास्ते नहीं आते। अगर इस गली का पानी का सॉर्स नहीं होगा, ये नूरानी मोहल्ले की रोड हम ब्लॉक करेंगे, हम एक दिन ये नूरानी मोहल्ले की रोड को ब्लॉक करेंगे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस गली को, जो खास नूरानी मोहल्ले जो सामने मस्जिद के सामने की जो गली है, इस गली में काफ़ी तकलीफ, यहाँ तक रोड की भी अभी तकलीफ है। पहले आप जो है ना पानी की तकलीफ की जो ये दूर करिए, अगर ये जल्दी हो गया तो अच्छा है, नहीं तो हम ये रोड को ब्लॉक कर देंगे।